वीजा, कनाडा इंडिया वीजा, यही लड़ाई चल रही है। सभी सभी यही कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया, लड़ाई कैसे होगी, क्या सीन हो गया। मैंने सो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। तो भाई इंट्रो की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंट्रो देनी पड़ती है, ठीक है ना। और सारी दुनिया को बताया ये वाली वीडियो किस विषय पे है, ठीक है ना। मेरे को इतने मैसेज कल रात को 50+ DM आए, भाई वीडियो बनाओ, भाई वीडियो बनाओ, भाई क्या चल रहा है, कैसा है भाई, क्या हुआ, इनसिक्योर है कनाडा भाई, अपनी कनाडा इंडिया वीजा, वीजा कनाडा इंडिया वीजा, यही लड़ाई चल रही है। सभी सभी यही कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया, लड़ाई कैसे होगी, क्या सीन हो गया। मैंने कहा भाई बना देते हैं वीडियो, बना देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम पास। तो सीन क्या हुआ भाई, सीन यही हुआ, अपने ट्रूडो भैया लड़ पड़े भाई मोदी जी के साथ। बाकी चीज़ मैं नहीं बोलूंगा क्यों लड़ाई हुई, क्यों नहीं हुई, बच्चे बच्चे को पता है क्यों लड़ाई हुई है। तो मैं नहीं बोलना चाहता भाई, पॉलिटिक्स है सीधी बात, मैंने तो वीडियो में बनानी थी। मैं वीडियो में भी यही बोलने वाला हूँ कि मैं नहीं कुछ बोलने वाला, ठीक है ना, बस टाइटल रखूंगा और ठीक है भाई। बस ये मैंने थोड़ा बता दूंगा आपको यार क्यों हुआ क्या, और जो जो मैं नहीं बोलूंगा पॉलिटिक्स, सच में नहीं बोलूंगा मैं अपने परस्पेक्टिव से बताऊंगा। परस्पेक्टिव कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता भाई, मैं थका हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अभी कहाँ पर हूँ अगले व्लॉग में बताऊंगा कहाँ पर हूँ, फिर भी अगर पहचान सकते हो तो पहचान लेना कहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अभी व्लॉग के ऊपर ध्यान दो, व्लॉग भी नहीं है भाई, ये छोटी सी वीडियो है, मैं बताना चाहता हूँ भाई मैं सेफ हूँ, ठीक है। लोग बोल रहे भाई कनाडा सेफ है नहीं है, क्या है क्या नहीं हुआ, भाई एवरीथिंग इज़ सेफ, एवरीवन इज़ सेफ। और ट्रूडो भैया ज़्यादा देर नहीं रुस देंगे आपसे, ठीक है ना, इंडिया से ज़्यादा देर नहीं रुस सकता ट्रूडो हमारा भाई। क्यों? क्योंकि भाई उसको चाहिए पैसा, पैसा कहाँ से आ रहा है, इंडियन से, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होने वाला कि लड़ाई हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंडियन को वीज़ा नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सब कुछ होने वाला है भाई। हफ्ता वेट कर लो, हफ्ते बाद मेरी वीडियो दोबारा देख लेना खोल के कि भाई क्या बोला था और क्या भाई हो जाएगा, सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा, लड़ाई होती रहती है। यूएस भी बीच में आ रहा है, यूएस भी कह रहा है भाई यार मान ले, ऐसे कर ले वैसे कर ले, यूएस भी अपनी सलाहें दे रहा है, तुम्हारा भाई भी सलाह दे रहा है भाई ट्रूडो को कि भाई मान ले बात क्या कर रहा है। और भाई बातें क्या चल रही है, लोग कही जा रहे हैं कि भाई कनाडा वीज़ा नहीं देगा। अरे भाई अभी तक न्यूज़ देखी आपने, मोदी भैया क्या कह रहे हैं, मोदी भैया कह रहे हैं कि भाई अब मैं नहीं दूंगा भाई वीज़ा कैनेडियंस, उसने ऐसे ही कुछ लिखा, उसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्या मतलब है। मैं अपना साइड पे स्क्रीनशॉट लाता हूँ भाई, मेरे को नहीं पता वो स्क्रीनशॉट दिया है फेक है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं जिम्मेवारी कोई नहीं उठा रहा, मेरे को बस सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। मैं आप लोगों ने देखे होंगे भाई, बच्चे बच्चे ने देखा स्क्रीनशॉट, और लोग बोल रहे हैं कि मतलब एम्बेसी ऐसा ही कुछ है, मैं पढ़ के बताऊँ। हाँ न्यूज़ क्या आ रही है कि मतलब इंडिया सस्पेंड्स कैनेडियन एम्बेसी सर्विसेज, ऐसा ही कुछ है, मेरे को नहीं पता इसका मतलब क्या होता है भाई, मैं एम्बेसी में नहीं लगा, ठीक है। मेरे को इतना पता भाई लड़ाई हुई है, और भाई इंडिया से इतने फ़ोन आए मेरे को भाई, इंडिया से मेरे भाई का फ़ोन आया, इसका फ़ोन आया, उसका फ़ोन आया, भाई कहता यार क्या चल रहा है उधर। मैंने कहा भाई सब कुछ ओके है, कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं ओके हूँ। कहता भाई सेफ है, कहता विनीपैग इधर हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं कहा भाई मैं रहता हूँ टोरंटो, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, मेरे को इतना पता है कुछ नहीं हुआ, सीधी बात है, टेंशन मत लो यार। और जो उसको डर लग रहा है कि भाई वीज़ा नहीं आएगा, वीज़ा नहीं आएगा, मेरे एक दोस्त भी है भाई इंडिया में, वीज़ा नहीं आ रहा, वीज़ा नहीं आएगा, भाई क्या कर रहे हो, आ जाएगा वीज़ा, हफ्ते की बात है, ऑफर लेटर ऑफर लगाओ, तब तक वीज़ा आने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला कि रुक जाएगा यार, अगर उन्होंने रोक दिया तो उनका कैसे चलेगा, मेरे को ये बताओ। कनाडा भाई अपने सिर पे बैठा है, अपने अंशुल भैया के सिर पे, ठीक है ना भाई। ज़्यादा बात बड़ी भी नहीं है यार, नॉर्मल सी बात है, लेकिन पता नहीं मेरे को 3 महीने पुरानी बात अब क्यों उठा रहे हैं, मेरे को खुद नहीं पता। और मेरे पास वीडियो में कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, तो जितनी भी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं अपडेट के लिए, मेरा यह कोई भी मोटो नहीं था वीडियो बनाने का। लेकिन भाई कल रात को इतने मैसेज आए मेरे को, इंस्टाग्राम जो होता है ना, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन ऑफ करके सोना पड़ा भाई, वाइब्रेट पर वाइब्रेट, वाइब्रेट पर वाइब्रेट, घर वालों के फ़ोन आने थे इसलिए मैं नेट नहीं बंद करता। लेकिन कल तो भाई इतना ज़्यादा क्लेश हो गया ना, क्या ही बोलूँगा भाई, इधर इतने मैसेज मैंने भाई इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन ऑफ करे कि भाई पहले नोटिफिकेशन ऑफ करेंगे फिर उसके बाद सोएंगे हम, कि भाई एज ऑलवेज बादल चेक करो यार, क्या बादल हुए अपने, अभी घंटे पहले बहुत था क्या कहते हैं उसको धूप, और अब एकदम छाया छाया छत्तर छाया। और लोग भाई ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट पर रोक लग रही है, ये लग रहा है कैपिंग हो रही है, कैपिंग भाई पहले ही उसने बोला वो कैपिंग थोड़ी सी होगी, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा भाई, अभी के लिए ऑल सेफ है। तो चुपचाप भाई पढ़ो, आइल्स पढ़ो, और चुपचाप आ जाओ कनाडा का वीज़ा लेके, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं जा रहा हूँ भाई अंदर, अंदर कहाँ जा रहा हूँ, एक जाते जाते गुड न्यूज़ लेके जाऊँगा छोटी सी, ठीक है, तुम गुड न्यूज़ नहीं कहेंगे उसको, रहने दो भाई नहीं बोलता, अगले वो बताऊँगा। ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ही नहीं था, ये व्लॉग मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि लोगों को पता लगे भाई कुछ नहीं हुआ, कनाडा इज़ ऑल ओके, जल्दी जल्दी आओ फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, कुछ नहीं हो रहा। और जो लोग कह रहे हैं वीज़ा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अपना हुलिया देख लो, मेरा हुलिया देख लो भाई, क्या हुलिया हो गया मेरा, ठीक है ना, दाढ़ी वगैरह सब कुछ बड़ी हो गई है, तो काटने का टाइम नहीं मिल रहा, काटूंगा आज कल मैं दाढ़ी काट के, फिर उसके बाद दोबारा मिलते हैं आपको व्लॉग के साथ। तो अभी के लिए तो यही था, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ भाई, एवरीथिंग इज़ ओके, जिसको आना है जल्दी आओ फ्लाइट पकड़ के, सब कुछ ओके। और भाई यार मेरे को ना एक बात और याद आ गई कि सोशल मीडिया पे भाई इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, मैंने भी चलो थोड़ी नेगेटिविटी बोरी है उसमें, लेकिन भाई वो रियलिटी थी, मैं दिखा रहा था कि मैं कॉलेज कैसे जा रहा हूँ, अब मैंने कल भी कॉलेज जाना है, फिर से बस में रश होना है। आप कहते हो मेरे को कमेंट डालो, अगर लिखा कि मेरे को कि नहीं डालो भाई ऐसी ब्लॉग, तो मैं नहीं डालूंगा यार। तो कमेंट यार ऐसे ऐसे किया करो ना, बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करो, मतलब दिल खुश कर दिया करो बंदे का। और भाई जो भी सीन है सोशल मीडिया पर
बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है कनाडा कनाडा, बाकी भाई ऐसा कुछ नहीं है, वीज़ा वीज़ा सबके लग रहे हैं, आ जाओ कनाडा, सही है, चिल है। और अपनी क्या बात कर रहा था, मेन बात ये है कि भाई आप बोलोगे तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं तो भाई बस इसकी रियलिटी दिखा रहा हूँ। मेरे को दो तीन बंदे को ऐसे है भाई, घर चले जा तू, ऐसे जा इंडिया, इंडिया तेरे को अच्छा लगा, इंडिया चले जा, भाई ये क्या मतलब हुआ भाई। मैं कह रहा हूँ भाई बस इसमें रश देखो, मैं कह रहा हूँ अपनी फैसिलिटी थोड़ी इंक्रीज करो, है ना, मैं बता रहा हूँ। लेकिन नेगेटिविटी नहीं है भाई इसमें कुछ भी, मेरे को नहीं लगा नेगेटिविटी, अगर आपको लगा चलो कोई बात नहीं, हॉर्न भी सुन लो साथ में, लेकिन फिर भी भाई नेगेटिविटी अगर आपको लगी है तो मेरे को कमेंट करो जल्दी जल्दी, तो करेंगे इंप्रूव करेंगे और क्या। तो बाकी सब कुछ ओके है यार, जल्दी आओ कनाडा। तो ठीक है भाई यार, हम करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड। ठीक है, मैंने जो बताना था बता दिया, मैं पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना चाहता, ठीक है ना, पॉलिटिक्स है सब कुछ, बाकी मेरे को नहीं पता भाई है नहीं है। तो व्लॉग करते हैं हम एंड और अगले व्लॉग में मिलते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग, क्या लाइक किया होगा भाई, मैंने सिर्फ अपना व्यू बताया आपको कि भाई ये सीन हुआ है, और अगले व्लॉग में बताता हूँ आपको जॉब की थोड़ी सी बताऊँगा डिटेल्स क्या सीन चल रहा है, और अभी कहा हूँ बस गैस कर लो, जिसने करना है कर लेना, बाकी अगले व्लॉग में मिलते हैं भाई। और क्या, अभी मेरा टाइम थोड़ा शॉर्ट है मेरे पास आज, इसलिए छोटी सी मैं अपडेट दे रहा हूँ कि भाई मैं एकदम ठीक हूँ, सारे एकदम ठीक हैं, एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज सेफ है, और एवरीथिंग इज सेफ इन कैनेडा, ठीक है ना, सब सेफ, सब सेफ। ओके, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, अगले व्लॉग की वेट करना, और जो गैस कर सकता है गैस करके जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, फटाफट करो। ओके, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।